हेलो व्यूअर्स, कैन यू मल्टीप्लाई 998 इंटू 997 इन जस्ट 2 सेकेंड्स? नो, बट बाय माई दिस ट्रिक यू कैन मल्टीप्लाई इट. सो वेलकम टू माई चैनल. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मल्टीप्लीकेशन ट्रिक. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ट्रिक. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. इन ट्रिक्स को यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि आपके अदर क्वेश्चन में टाइम यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है 12 × 13. तो 12 × 13 मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, ये बहुत छोटा सा नंबर है. स्टार्ट हम छोटे नंबर से करें, फिर पहुंचेंगे 998 × 997 जिससे हमने स्टार्ट किया था. तो 12 और 13 के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है इन क्वेश्चन में कि बेस आप या तो 10 होगा या 100 या 1000, मीन्स 10 के मल्टीपल्स. ओके, आपको कोशिश ये करनी है कि इनके नजदीक वाला नंबर हो. इन केस नहीं है तो हम कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. वीडियो आपको लास्ट तक देखनी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं है. तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं 12 × 13. देखिए, बेस इसके नजदीक कौन सा है? 10 नजदीक है. अब 12 में से 10 को माइनस कर दो. क्या करना है? 12 में से इस 10 को माइनस कर दो. तो माइनस करा तो प्लस 2 आया. 12 − 10 = 2. 13 − 10 = 3. अब यहां पे क्या करना है आपको? यहां करना है इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम. आप देखेंगे ये सेम है. 12 + 3 = 15 एंड 13 + 3 = 15. तो इस जगह आप क्या लिखेंगे? सम. और यहां क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, विच इज 6. सो आंसर इज 156. है ना इजी? चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन. नाउ 97 × 94, इसके नजदीक कौन सा बेस है? 100. एक बात और, आपको यहां पे उतनी डिजिट लिखनी है जितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं. जितनी डिजिट यहां आनी चाहिए कितनी? जितनी जीरोज हो बेस में. अब हम यहां पे 100 यूज करने वाले. 100 में कितनी जीरोज है? 2. मीन्स यहां पे 2 डिजिट आनी चाहिए ही चाहिए आपकी. अब 100 है, 97 में से 100 माइनस करते हैं तो -3. 94 में से 100 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? -6. माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18. अपने आप ही 2 डिजिट आ गई. ओके, अगर इनकेस 1 डिजिट आता तो आपको यहां क्या लगाना होता? 0. अब इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम, किसी का भी कर लो. 94 − 3 = 91 एंड 97 − 6 = 91. सो योर आंसर इज 9118. है ना कमाल की ट्रिक? चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट की जैसा ही है. देखो 99 98 99 में से मैं 100 माइनस करूंगी -1. 98 में से करेंगे तो -2. इन दोनों का सम लेफ्ट साइड पे, विच इज 98 − 1 = 97. 2 × 1 = 2. लेकिन मैंने क्या बोला था? 2 डिजिट आनी चाहिए. मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 0. बिकॉज 100 लिया ना बेस 100, और जिसमें 2 डिजिट आएंगे क्योंकि 2 जीरोज है. तो योर आंसर इज 9702. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे हमने स्टार्ट किया था 998 × 997. अब इसके लिए बेस कौन सा लोगे? 100 तो नजदीक नहीं है. क्या बेस नजदीक है? 1000. तो 998 में से 1000 माइनस करो, क्या आ गया? -2. 997 में से माइनस करो, क्या आएगा? -3. गुड. अब देखो ध्यान से, 1000 में जीरोस कितनी है? 3. मींस यहां पे कितनी डिजिट आएंगी? 3. नाउ 3 × 2 = 6. माइनस माइनस प्लस, तो लास्ट पे 6 आ गया. आगे के तो ब्लैंक नहीं छोड़े, वहां पे क्या लगा देंगे? 2 जीरोस. नाउ इनका सम या इनका सम, तो 998 − 3 = 995. सो योर आंसर इज 995006. आ गया ना 2 सेकंड में आंसर. आप बिना कैलकुलेटर के इनको इजीली कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है 65 × 98. नाउ 65 × 98, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों के नजदीक हो. बेस ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों के नजदीक हो. 100 ही ले लेते हैं. 98 − 100 = -2 एंड 65 − 100 = −35. अगेन आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लीकेशन. माइनस माइनस प्लस, प्लस 70. ऑलरेडी 2 डिजिट आ गई है. नाउ इन दोनों का सम, तो ये करना ज्यादा आसान है ना. 65 − 2 = 63. सो योर आंसर इज 6370. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ. अभी तक हमने क्वेश्चन किए जिसमें आपके जो साइन थे वो सेम आते थे, तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन इस क्वेश्चन में साइन ऑपोजिट आएंगे. कैसे? देखो 101 और 97, बेस हम 100 ही लेंगे बिकॉज 100 नजदीक का नंबर है. तो +1 एंड −3, क्योंकि 101 में से 100 माइनस करो 1 आएगा, और 97 में से 100 माइनस करोगे तो -3 आएगा.
अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 3 1 3 वो जो कि किसका माइनस का है ना, और बेस 100 है तो 0 3 भी लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि 2 डिजिट आएंगी, 0 3 भी हो गया। बार मैंने इस पे लगाया था कि मुझे ध्यान रहे ये नेगेटिव वाला था। अब इन दोनों का सम 97 + 1 इज 98, तो ये हो गया आपका 98 03 बार। अब ध्यान रखना क्या करना होता है, जब भी बार वाला क्वेश्चन आएगा आप इस 3 को इग्नोर करके इसकी जगह 0 ज्यूम कर लो, 98 100 माइनस दिस 3, तो आपका आ जाएगा 10 - 3 = 7, तो 9 7 9 7, सो योर आंसर इज 9 7 9 7। गॉट इट? यानी कि जब भी आपका नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट इधर, तो आपको उसके ऊपर बार अज्यूम करके और लास्ट में क्या करना है, इस बार को इग्नोर करके 0 लगाना है और फिर माइनस करना उसी सेम नंबर से। अब एक और ट्रिक, जब हम बेस 110,000 नहीं ले पाए तब हमें क्या करना है, 47 48, अब इनके नजदीक का नंबर क्या है, इनके नजदीक का नंबर है 50। हम बेस यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ध्यान देना 50, लेकिन हमें लेने क्या चाहिए थे, 10 100,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 47 - 50 - 3, 48 - 50 इज -2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 सा क्या आएगा आपका 6, और इन दोनों का सम क्या आएगा, 47 - 2 इज 45, तो आपका क्या आ गया 4 5 6। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको बेस लेना चाहिए था 10, लेकिन आपने ले लिया 50 विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। मीन्स आपको जो ये नंबर आता है ना लेफ्ट वाला, इसको क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो बेस आपने जितने टाइम्स लिया था। मीन्स 5 5 = 25 का 5 कैरी 2, 5 4 = 20, 2 2 = 5 और ऊपर से 6 आ गया। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये ट्रिक भी इजिली हो जाएगी। नेक्स्ट 62 67, अब इसके नजदीक का नंबर क्या है, 60 60 है ना, तो देखो 62 - 60 इज प्लस 2, 67 - 60 इज +7। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे तो उनका मल्टीप्लीकेशन आएगा विच इज 14, और यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का सम विच इज 69। नाउ 6 9 1 4, तो 1 4 हम यहां नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, देखो यहां पे 0 6 0 1 था, यानी कि केवल 1 डिजिट आनी थी, यानी कि ये जो 1 है ये कैरी चला गया, क्या हो गया, ये कैरी गया। अब क्या करना है, ध्यान देना, कैरी गया लेकिन बेस जो था वो 6 टाइम था, मीन्स मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 6 36, 36 + 5 हो गया 41, और कैरी 1 साथ में चल ही रहा है, ये 4 यहां से आ गया, कैरी 1 था तो दोनों को हम कर देंगे एड, सो योर आंसर इज 4 1 5 4। क्लियर है? आपको ध्यान ही रखना, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर हम लिखते हैं इनका सम, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि बेस आपका 10 वाला आ जाए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और, 32 * 29, नजदीक का नंबर 30, बेस आपने क्या ले लिया है इस बार 30, 32 - 30 इज 2 +2 एंड 29 - 30 इज -1। अब देखो इनको जब आप ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 32 - 1 इज 31, और यहां पे क्या आएगा माइनस का 2, डिजिट तो 1 है इट्स ओके, लेकिन -2 आ गया, -2 आने के लिए हम क्या लगा देते हैं बार। बार से पहले भी हम एक काम और कर लेते हैं कि 30 था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 से, 3 1 3 3 3 9, 2 बार। अब बार है, मैंने क्या बताया था बार होता है, तो उसकी जगह 0 ज्यूम करके -2 कर देते हैं विच इज 928, सो योर आंसर इज 928। आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा ट्रिक करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और एक ट्रिक करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये एक लिमिटेड ट्रिक थी। अब हम जो ट्रिक करेंगे वो 4 डिजिट 5 डिजिट कैसे भी नंबर, जो 1000 100 से बहुत दूर दूर के नंबर होते हैं उनके लिए वो ट्रिक होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय।